ये मेरे दोनों बच्चों के एंड दिस इज माइन। मैडम ऑस्ट्रेलिया का वीजा लगाने में टाइम लग जाएगा। आई नो, लेकिन प्लीज आप जल्द से जल्द करने की कोशिश कीजिए। इट्स रियली अर्जेंट। ओके, आई विल ट्राई। थैंक यू। व्हाट द हेल डू यू थिंक यू डूइंग? कम ऑन शकुन, फॉर ऑल टाइम से। शकुन तुम्हें ऐसे देख के ना से रहा नहीं जाता। एंड यू सेड कि वी मेक अ वेरी गुड टीम, सो व्हाट डू यू से? स्टे अवे फ्रॉम मी, मुझसे दूर रहना मिस्टर शकुन। मैंने तुम्हारे सारे रंग देख लिए एंड इट्स बेस्ट दैट वी स्टे पार्टनर्स इन क्राइम, और उसके अलावा कुछ नहीं। डू यू गेट दैट? मैं बस अपने बच्चों को लेकर हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती हूँ। एक बार रमन और इशिता को डिस्ट्रॉय कर दो, फिर तुम्हें रमन के साथ जो करना है करना, और मैं जो चाहती हूँ वो मुझे मिल जाएगा। और तुम क्या चाहती हो? इशिता के चेहरे से हंसी छीन लेना चाहती हूँ। I'm gonna ruin her. I'm so tired. हेलो, शगुन जी बोल रही है? यस, शगुन अरोरा, कहिए। हाँ जी, मैं मयूर विहार पुलिस स्टेशन से सब इंस्पेक्टर संजय शर्मा बोल रहा हूँ। आपने अपना पासपोर्ट दिया था वीजा लगवाने के लिए? जी, इज देयर अ प्रॉब्लम? देखिए, एक काम कीजिए, आप थाने आ जाइए, आपसे कुछ बातचीत करनी है। पर ऐसी क्या बात हो गई कि मुझे वहाँ आना है? आप बताइए तो सही। मैडम जी, एसीबी साहब मिलेंगे आपसे। आप एक काम करिए, थाने आ जाइए, सारी बातचीत यहीं हो जाएंगी। ठीक है, थैंक यू। एसीपी, इतने सीनियर इंस्पेक्टर से मिलना है, कहीं उन्हें कुछ पता तो नहीं चल गया? किया क्या है? प्रॉब्लम क्या है? कहीं वाला परिवार में से तो किसी ने मेरे खिलाफ कंप्लेन नहीं की? एक्सक्यूज मी, मैंने किया क्या है? प्रॉब्लम क्या है? मुझे कब से वेट करा के रखा है? अननेसेसरली एक शरीफ औरत को पुलिस स्टेशन में बैठा के रख दिया है। मैडम जी, काम कर रहा हूँ, मैं खाली तो बैठा नहीं हूँ ना। रावत का लेक्चर गलत इंसान नहीं दे रहा? ये आपका ब्यूटी सैलून है कि एक बार आपने फोन पे अपॉइंटमेंट कर दी तो उसके बाद यहाँ पे खड़ा नहीं रहना पड़ेगा आपको? दिस इज अ पुलिस स्टेशन मैडम, यहाँ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस लॉ और जस्टिस को दी जाती है, यू अंडरस्टैंड? मैं कब से वेट कर रही हूँ, आपके कांस्टेबल ने मुझे बुलाया है। मेरे कांस्टेबल ने आपको फोन नहीं किया था, मेरे सब इंस्पेक्टर शर्मा ने आपको फोन किया था। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। अभी अंधेरा होने वाला है, एक अकेली लेडी कैसे जाएगी? अंधेरा होने के बाद मैं आपको अरेस्ट नहीं कर सकता, और बिना लेडी पुलिस की प्रेजेंस में मैं आपको क्वेश्चन नहीं कर सकता। और कोई कानूनी किताब आपने निकालनी है तो निकाल लीजिए। मैं तो बस बहुत बिजी है, मेरे पास टाइम नहीं है। यू नो व्हाट, मेरे सब इंस्पेक्टर शर्मा आपसे थोड़े से ज्यादा बिजी हैं। वो क्या है ना कि इस वक्त वो एक्सीडेंट पीड़ित लोगों से डील कर रहे हैं। पीड़ित, यू अंडरस्टैंड? मुझे यहाँ बुलाया क्यों है? मानसी जी, पानी पिलाइए इन्हें, थोड़ा तो गुस्सा कम होगा इनका। शर्मा जी। सर, मैडम की क्या प्रॉब्लम है? सर, वो पासपोर्ट वाला केस था ना, इसलिए मैडम को बुलाया था। ओ, अच्छा अच्छा अच्छा, ये वो हैं। चलिए मैडम, आपका नंबर आ गया। ये आपका ही है? हाँ, मेरा है, पर ये यहाँ। एक मिनट, पुट इट डाउन। आपने मुझे वेरिफिकेशन के लिए बुलाया? आप बात तो सुन लीजिए पूरी, इतना नर्वस क्यों हो रही हैं? नो नो नो, ऐसा कुछ नहीं है, कहिए। दरअसल ये हमें रोड पर मिला, एक एक्सीडेंट हुआ था किसी बाइक वाले का,
सी ट्रैवल एजेंसी में काम करता था, उसके बैग से काफी चीजें बरामद हुई इंक्लूडिंग योर पासपोर्ट। उसके मोबाइल से उसके बॉस को फोन किया है, वो आता ही होगा। आपसे सिर्फ ये कंफर्म करना था कि आपका पासपोर्ट कहीं चोरी तो नहीं हुआ। नो, ये मेरा है। कहाँ जा रही हैं आप? ऑस्ट्रेलिया। आपने मुझे यहाँ बुलाया है, पासपोर्ट मेरा है, फिर आप मुझसे इतने सवाल जवाब क्यों पूछ रहे हैं? ओफो, फिर से वही एटीट्यूड। अरे मैं तो सिर्फ सवाल कर रहा हूँ, आजकल फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज कितनी बढ़ गई हैं। आई वाज जस्ट डूइंग माय ड्यूटी। ऑस्ट्रेलिया, अपने मदर इन लॉ के यहाँ जा रही हूँ। ज्यादा खुशी तो नहीं हुई जानकर, बट इफ यू से सो। अब मैं जा सकती हूँ? कैन आई टेक माय पासपोर्ट? बेशक। थैंक्स। ज्यादा ही नर्वस नहीं हो रही थी? मेरा पासपोर्ट रास्ते पे गिरा हुआ मिला। How can you be so careless? ऐसे कैसे रास्ते पे पासपोर्ट पड़ा हो सकता है? एक्सीडेंट हुआ लड़के का। Oh for God's sake, अपनी राम कहानी जाके किसी और को सुना। मेरे बच्चों के पासपोर्ट कहाँ हैं? वो वीजा लगने गए। What? मेरा पासपोर्ट यहाँ पड़ा है और मेरे बच्चों के पासपोर्ट एम्बेसी में। What the hell? मैडम वही तो आपको बोल रहा हूँ कि आपके पासपोर्ट पर एक फ्रेश स्टैम्प चाहिए। What nonsense? पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है। कोई बात नहीं मैडम जी, मैंने तत्काल में बनने के लिए प्रोसेस शुरू कर दिया है, 4-5 दिन में सब करवा दूंगा। फाइन, व्हाटएवर। ऑस्ट्रेलिया जाने की बहुत जल्दी लग रही है आपको? हाँ। फिर से नर्वस? चल क्या रहा है? ओह शगुन, सो फनी। शगुन, आई जस्ट फेल टू अंडरस्टैंड कि कोई इतना स्टूपिड कैसे हो सकता। आई मीन, अपने बच्चों के पासपोर्ट के लिए इतने पापड़ बेले और अपना पासपोर्ट चेक ही नहीं किया तुमने? वाह। उस दिन तो मेरे प्लान से बड़े इंप्रेस हो रहे थे, बहुत प्यार आ रहा था मुझ पर, और अब मुझसे एक छोटी गलती क्या हो गई? सुना रहे really? लेकिन शगुन, जो दोबारा तुम पर आ रहा था ना, उसे प्यार नहीं कहते। Anyways, तुम्हारी स्टूपिडिटी की तो दाद देनी ही पड़ेगी, लेकिन मैडम आपको अब कुछ करना पड़ेगा। इस पासपोर्ट और वीजा के चक्कर में हम एक हफ्ता डिले हो, और उस स्कूल टीचर ने इशिता को कह दिया है कि ट्रिप 2-3 दिन में है। What are you gonna do now? हम इशिता से क्या कहेंगे? Relax, Shagun, relax. I've got it under control. हम उस स्कूल टीचर को कहेंगे कि इशिता को फोन करे, उसे कहे कि पोस्टपोन हो गया ट्रिप थोड़ा सा। That's it. और क्या कह सकते? हेलो, अरे हेलो, कहाँ है भाई तू? तब यहाँ तेरा वेट कर रहा है भाई। क्यों, कहाँ होना चाहिए मुझे? मेरी नई कंपनी की लॉन्च पार्टी में। इनविटेशन नहीं मिला तुझे? देख सूरज, मैंने तुझे पहले भी कहा, मुझे तेरी किसी भी खुशी में शामिल नहीं। एक तो मेरे पैसे मुझसे छीन के तू अपने महल बना रहा। अशोक मेरे भाई, ये बता कि तू आजकल किस औरत को लिपस्टिक खरीद के दिलवा रहा है? रमन भल्ला ने तेरा बिजनेस तो खरीद ली तेरी कंपनी, काम तो है नहीं तेरे पास। एक काम कर, यहाँ आ जा, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। सूरज जस्ट शट अप, यू गेट इट? वही कर रहा हूँ मेरे भाई, तो बस शगुन के पीछे पीछे घूमता रहे और इसके बकवास आइडियो में अपना टाइम वेस्ट करता रहे। कभी नहीं सुधरेगा अशोक। किल यू सूरज, यू ब्लडी बैकस्टेप। रमन और इशिता भल्ला, तुम्हें क्या लगा तुम्हारी जिंदगी अब खुशियों से भर गई? तुम लोगों ने मुझे बर्बाद किया, और बहुत ही जल्दी तुम्हें तुम्हारे बच्चों के खोने का गम मिलेगा। एंड दैट इज गोना गिव मी द अल्टीमेट हैप्पीनेस।